Hi guys, what's up? Welcome, welcome back to my channel and welcome to the brand new video. Well, अगर आप नए मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो सो थैंक यू सो वेरी मच. ओके, सो इस वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ. वेल, ये वीडियो मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से शूट की थी बट एनी हाउ मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाए बिकॉज मेरा माइक म्यूट हो गया था अपने आप. आई डोंट नो कैसे यार, बट ठीक है. तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ इस वीडियो को. एनी वे, सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कि अगर आप लोग शादी में जा रहे हो एंड दिस इज़ लाइक आपके घर की शादी है या आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव की शादी है एंड यू वॉन्ट टू गेट रेडी बहुत ही अच्छे से, तो आप इस टाइप का कुछ मेकअप लुक कर सकते हो. बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लगता है या बहुत अच्छा लगता है. बन मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने बहुत ही ईजी वाला सिंपल वाला रख लिया. आप कुछ न्यू भी ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट या मैंने कुछ इस टाइप से रखा है एंड मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ ये वाला मेकअप. होप यू विल लव इट. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छे से प्रेप कर ली है बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप. सो अगर आपको ये जानना है कि मेकअप से पहले अपनी स्किन को कैसे प्रेप करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो लाइक सेपरेट शॉर्ट्स फॉर दैट कि आप अपनी स्किन को मेकअप से पहले कैसे प्रेप करें सो दैट आपका जो बेस है ना वो और ज्यादा फ्लॉलेस लगे और आपका मेकअप अच्छे से टिका रहे बेसिकली. और जो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर, कौन सा प्रोडक्ट है वो आपको साथ के साथ तो मैं आप साइड वीडियो में शो कर दूंगी प्रॉपर वाला. ओके, सो लेट्स क्विकली अप्लाइंग प्राइमर. वेल, दिस इज प्राइमर इज समथिंग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है स्किन पे. इट गिव्स यू लिटिल शाइन ऑन योर फेस. लाइक अगर आपने मैक की स्ट्रोक क्रीम के बारे में सुना है ना, दिस इज एग्जैक्टली ड्यूप. एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, लाइक ऑफकोर्स दैट इज अ वेरी हाई एंड प्रोडक्ट और ये बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है स्विस ब्यूटी का प्राइमर. बट येस, मैं एग्जैक्टली बोलूंगी कि काफी हद तक मिलता जुलता है बिकॉज ये भी आपको काफी अच्छी फिनिशिंग देता है. उतनी अच्छी नहीं बट येस, आई थिंक इट्स नॉट दैट. अगर आप थोड़ा चीप साइड में देख रहे हो ना तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस. आई एम यूजिंग क्वाइट अ लॉन्ग टाइम दिस एंड आई लाइक इट अ लॉट. सो अगर आप ड्राई स्किन टाइप के हो ना तो आप इसको यूज करके देख सकते हो. यू आर गोइंग टू लव दिस वन. ओके, नेक्स्ट आई विल कलर करेक्ट माई अंडर आईज और जहां भी मेरे को स्पॉट्स दिख रहे हैं ना मेरे स्किन पे. अभी तो लाइक मेरे स्किन का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है यार, सीरियसली. लाइक बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल गए थे जिसके ना मार्क्स अभी भी रह गए हैं स्किन पे एंड आई एम डूइंग लिटिल मोर थिंग्स टू हाइड. लाइक इसको रिमूव कर रही हूँ मैं धीरे धीरे. ऑफकोर्स अच्छी धीरे धीरे ही होती है, एग्जैक्टली कोई मैजिक नहीं है. तो ठीक है, प्रोसेस चल रहा है मेरा. एंड तो मैं डार्क कंसीलर, सो मैंने यहाँ पे यूज किया है स्विस ब्यूटी का एक डार्क कलर का कंसीलर फॉर हाइडिंग माई डार्क सर्कल्स एंड स्पॉट्स. So, इसको मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ. हल्का फुल्का आई विल यूज ऑन माई आईलिड्स बिकॉज बाकी फेस के अकॉर्डिंग देखो तो आईलिड्स थोड़ी सी डार्क होती है. सो आप जहां भी जो भी कलर करेक्शन यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप पीच यूज कर रहे हो, ऑरेंज कलर करेक्शन यूज कर रहे हो या फिर मेरी तरह डार्क कलर का कंसीलर यूज कर रहे हो, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का अपने फिंगर टिप से ना आईज के ऊपर भी कर दो, आईज के ऊपर भी उसको ब्लेंड कर दो सो दैट आईज के ऊपर की जो लिड है ना वो थोड़ी सी डार्क होती है, वो थोड़ी सी लाइट हो जाए. ओके, एंड स्टार्ट. तो मैं यहाँ पे दो फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ. ओके, एक मैंने लिया है डार्क कलर का फाउंडेशन और एक मैं ले रही हूँ बहुत ही ज्यादा लाइट कलर का सो दैट आई कैन मेक माई ओन शेड. आप लोग भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी अपने शेड अवेलेबल नहीं है या फिर ना आपके पास दो शेड्स है, एक लाइट है और डार्क है, तो आप यू कैन आप उसको मिक्स कर सकते हो, उसको अपना शेड खुद क्रिएट कर सकते हो. सो आई ब्लेंड करूंगी एक रेड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. सो आई विल स्टार्ट अप्लाइंग दिस ऑन माई फेस लाइक दिस. बहुत ही अच्छी है, ब्लेंडिंग इज की इन मेकअप. सो अगर आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है ना और आप टाइम दे रहे हो ब्लेंडिंग को, तो आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा.
सो इसलिए हमेशा चाहे वो आई मेकअप हो या फिर फाउंडेशन ब्लेंड करना हो तो उसको थोड़ा अच्छा खासा टाइम देना है, जल्दबाजी भी नहीं करना है, अदरवाइज वो केकी लगता है और ना अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता है बेसिकली। ओके सो कंसीलर के लिए भी ना मैं दो ऑप्शन ले रही हूँ यहाँ पे। Thank you.
नेचुरलाइज रखना चाहती थी मैं, तो इसलिए मैंने ये हल्का सा शिमर शेड यूज़ किया है, बिकॉज पहले वाले शेड से ना कुछ ज़्यादा ऐसी खास शाइन नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा एक वाला शेड और थोड़ा सा यू नो एक्स्ट्रा शाइन के लिए लगाया जाए. सो मैं उसको अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपनी लिड पर अप्लाई कर रही हूँ, एंड यू कैन सी पहले से बेटर लग रहा है ये वाला. सो आई एम यूजिंग दिस. आप इसमें से काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो, बट मैंने स्पेसिफिकली क्योंकि मैं गोल्डन आइज कर रही थी यहाँ पे, लाइक सॉफ्ट गोल्डन शैम्पेन काइंड ऑफ, तो मैं उसी तरीके के मैंने यहाँ पे शेडो यूज़ किया. नेक्स्ट आई एम यूजिंग लाइनर. सो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का जेल लाइनर यूज़ किया है अगेन, बिकॉज मुझे कुछ ऐसी हैवी आइज नहीं करनी थी, ज़्यादा बोल्ड आइज नहीं करनी थी, तो मैंने सटल सा ब्राउन कलर का लाइनर यूज़ किया है. एंड नेक्स्ट अप्लाइंग माई मस्कारा एंड फाइनली अप्लाइंग वाइट काजल इन माई अंडर आइज, बिकॉज वाइट काजल से ना आइज इंस्टेंटली आपकी थोड़ी सी ना बड़ी बड़ी लगने लगती है, बहुत ही सुंदर सी लगती है. सो हल्का सा मैं शेडो भी अप्लाई कर लूँगी जस्ट टू यू नो एक डेफिनेशन देने के लिए आइज को, बिकॉज मैं कोई भी ब्लैक काजल वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ वाई. नेक्स्ट टाइम फिलिंग माई ब्राउज. ब्राउज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज ब्राउज से ना आपका जो फेस है ना वो अलग ही एक अलग ही लेवल का लगने लगता है. एंड जिनकी अच्छी ब्राउज होती है ना उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट मेरी बहुत ही ज़्यादा हल्की ब्राउज है, बहुत ही यू नो लाइट है, ज़्यादा ऐसे हैवी नहीं है और डार्क भी नहीं है, सो मुझे ब्राउज मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बनाना. नेक्स्ट टाइम यूजिंग आप ब्राउन कलर का लिप लाइनर. सो इसको मैं अच्छे से अपनी लाइंस को ना अपने लिप्स को ओवरलाइन कर लूँगी, हल्का हल्का सा करूँगी, बिकॉज थोड़े से मुझे लिप्स डार्क करने हैं एंड ना इस पर्टिकुलर लुक के लिए ना मैंने डार्क लिप्स ही प्लान किए हैं, तो इसलिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा डार्क कलर का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग माई फेवरेट लिपस्टिक जो डार्क में है एक्चुअली. सो दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 की, बहुत ही प्यारा डार्क एकदम यू नो डीप मैरूनिश कलर का ये वाला शेड है यार, बहुत ही प्यारा लगता है. बट द माइनस पॉइंट इज ये क्रीम लिपस्टिक है जिसकी वजह से ज़्यादा स्टे नहीं करती है, सो बस यही इसका माइनस पॉइंट है, अदरवाइज लिपस्टिक इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. नेक्स्ट आई एम यूजिंग सेटिंग स्प्रे, दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड द मेकअप इज डन. गाइस आई एम बैक एंड मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया है, मेरा आउटफिट ज्वेलरी वगैरह मैंने सब पहन ली है एंड द लास्ट पार्ट इज हाईलाइटर. एंड हाईलाइटर मैंने लगा लिया है एक्चुअली, यही वाला लगा बिकॉज मुझे रील शूट करनी थी, बट आई एम अप्लाइंग अगेन टू शो यू. सो आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर, दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 52 एंड दिस इज हाउ आई अप्लाइड इट. दिस इज वेरी वेरी प्रिटी हाईलाइटर, आई जस्ट लव दिस वन अ लॉट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको आज का वीडियो बहुत 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 ज्यादा पसंद आया होगा, बिकॉज इस लुक के लिए मैंने बहुत मेहनत की है गाइज, देखो कितना सारा ताम झाम किया है. सो प्लीज लाइक्स बनते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई. एक दो लुक्स और प्लान किए हैं लाइक हाउ टू गेट रेडी आफ्टर मैरिज. आप लाइक यू आर अ न्यूली ब्राइड, तो आपको किस तरह से रेडी होना चाहिए, किस तरह से आपको अपना मेकअप करना चाहिए, सो मैंने उस टॉपिक पे भी एक दो वीडियो सोची. दिस इज द फर्स्ट वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक जो मैंने रेडी किया है, एंड आप लोग भी मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस अच्छी लग रही है इससे रिलेटेड या और भी कोई मेकअप लुक आप चाहते हो, सो आई विल लव टू क्रिएट इट यार. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. वीडियोस बताना ना भूलिए इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली अपलोड्स मोर वीडियोस लाइक दिस. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.